अच्छा ये अजीब बात है क्योंकि शाह जी मैंने जहाँ तक देखा ना, जितने अरसे से देखा, आपके पास जो भी आया है इंक्लूडिंग मी, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई मकसद से आया है। ये मेरे ख्याल से बहुत रेयर लोगों में से एक है मानी भाई, कि वैसे ऑफलाइन वो मतलब कि उससे हट के एक मुलाकात हुई और बात हुई। नहीं मैं बता दूं कि ये तो नहीं है कि किसी खास मकसद से आए थे, यानी ये मजाक की भी बात है और वो भी है। इन्होंने एक वहाँ एक टेबल होती थी हमारी ग्लास की, उसके ऊपर इन्होंने स्टिकर लगा रहे थे। अच्छा। तो मैं पहुंचा तायरा के साथ, तो मैंने देखा तो ये इन्होंने मेरे ख्याल से जिया साहब से पूछा था कि ये, उन्होंने कहा कि शाह साहब की है टेबल ना, वो इस्तेमाल करते हैं, जफर जामा का प्रोग्राम करते थे हम। तो मैंने कहा कि ठीक, ये मैं जब गया तो इन्होंने पूछा कि इस्तेमाल कर ले, मैंने कहा भाई सवाल आपका गलत है, ये टेबल हमारी है, मेरी नहीं है। क्या बात, यू कैन रिमेंबर, मैंने कहा कि यू कैन यूज इट, मैं ना नहीं करता किसी को, और वो भी इतने लविंग आदमी को जिसने पहले स्टिकर लगा लिए बाद में पहुंचा। ठीक है ना, आई एम सॉरी टू डू दिस, ठीक है ना, ये बनता है, ये बनता है। अच्छा मैंने लगा दिया, मुझे भाई कहते शाह साहब आएंगे ना, मैं क्या पता नहीं केड़ा को शाह आएगा, 6 फुट का कद होना है, हड्डी उड्डी वड्डी, उन्हें दाढ़ी रखी होनी है, यू नो लाइक ड्रोना किस्म का, उन्हें 2-2.5 किलो सुरमा लाया होना है, वो छोटे से क्यूट से शाह जी आए, जीन्स पहनी हुई, पोनी की हुई, यार शाह जी ही इज अ डूड मैन, ही इज अ डूड। दैट वाज एन अमेजिंग डे, इट वाज अ लवली डे। लेकिन आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा पॉइंट आपने पिक किया कि जब अगेन मुझे शर्मिंदगी होती है बात करते हैं, मैंने आज तक शाह जी को ये नहीं कहा शाह जी मेरा ये काम है, मेरा वो काम नहीं है। कभी भी काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा शाह जी मुझे बस, मुझे लगता है कि आप मेरा वो जरिया हैं। देखो एक छोटी सी बात है, अल्लाह पहले बंदे से मिलाता है, फिर अल्लाह अपने आप से मिलाता है। क्या बात, सही। जब तक बंदे से नहीं ना मिलोगे, अल्लाह से डायरेक्ट कोई नहीं मिल सकता। आई एम सॉरी टू से, अब मैं ऊपर आया हूँ ना, ये फर्स्ट फ्लोर है, मैं सीढ़ियों के थ्रू आया हूँ, कोई ना कोई रेफरेंस आपको चाहिए होता है। यू नो बफजले दामने मुर्तजा, मैं तुझे क्या बताऊं कि मुझे क्या मिला, अली मिले तो नबी मिले, नबी मिले तो खुदा मिला। क्या बात, खुदा तक ही पहुंचना है ना, बात वही है। लेकिन आपको यू नीड द राइट पीपल एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आपको देखो फॉर इंस्टेंस, आप कोई बाजार जाते हो, शॉपिंग करते हो, आपको कोई चीज पसंद आती है, स्कार्फ है, शर्ट है, जीन्स है, आपकी नजर पड़ती है, आप कहते हो यार मैंने इसको पिक कर लेना जो मर्जी हो जाए, आपकी जेब में कम पैसे होते हैं, ज्यादा पैसे होते हैं, क्योंकि आप अपने जिस्म को, अपने आप बॉडी को संवारने की कोशिश करते हो। बिल्कुल। तो यार अपनी रूह को संवारने के लिए जब आपको इस तरह का बंदा मिलता है तो एफर्ट क्यों नहीं करते हो। वाकई बिल्कुल।